मिनट के लिए हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी श्री वीरेंद्र प्रताप मिश्र जी, वो भी बाबू जी को जो है अपने श्रद्धा सुमन देंगे। तो अब मैं आदरणीय स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ओम हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुसुतस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिघान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः। श्री राम शरणं समस्त जगता रामं विना क्वागतिर् रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलौ रामाय कार्यम नमः। गंगा तरंगरमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाहम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकलगुण निधानम बांद्राम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु और हमारे परम सम्माननीय पूज्य पंडित जी तथा चांदना परिवार उपस्थित महानुभाव श्रद्धा स्वरूपा भक्ति स्वरूपा देवियों, आइए हम लोग जो है दो चार बार भगवान का मंगल में नाम लें। उद्दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु का नाम सभी लोग उच्चारण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण एण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण एण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण एण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा भजन सभी लोग मिलकर प्रेम से बोलेंगे। जीवन का नहीं ठिकाना है बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन का नहीं ठिकाना है बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन का राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जीवन का नहीं ठिकाना है बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन का राम निज कर्मों का फल पाएंगे निज कर्मों गे निज कर्मों का फल पाएंगे निज कर्मों गे जो आए हैं वो जाएंगे जो आए गे दुनिया मुसाफिर खाना है बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। ये दुनिया मु
राम जीवन का नहीं ठिकाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन का राम जिन के लिए हम मरते हैं, जिन के लिए है नाना प्रकार दुख सहते हैं, नाना है वो अपना नहीं बेगाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ अपना नहीं राम जीवन का नहीं ठिकाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन का नहीं राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जीवन का नहीं ठिकाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन का राम जो देते हैं वो पाते हैं, जो देते हैं, जो देते हैं वो पाते हैं, जो देते है सब अपनी कमाई खाते हैं, सब अपनी है यह याद रहे मर जाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह याद रहे मर जाना है, बोलो जय सिया राम, जय राम। जीवन का नहीं ठिकाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन का राम कुछ साथ न तेरे जाएंगे, कुछ साथ ना गे, कुछ साथ न तेरे जाएंगे, कुछ साथ ना गे, झटपट मर घट पहुँचाएंगे, झटपट मर गे। निर्मल तन भी जल जाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्मल तन भी जल राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जीवन का नहीं ठिकाना है, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जीवन का
राम ये दुनिया मुसाफिर खाना है बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम ये दुनिया मुसाफिर बोलो राजा राम चंद्र भगवान की नहीं मात्र समो तीर्थ है नहीं पितृ समो गति माता के समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं बताया गया। अगर तीर्थों का दर्शन करना है तो पूजनी अपने माता जी का दर्शन करें। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमयो पिता समस्त देवताओं के स्वरूप पूजनी पिताजी। हमारे चान्ना साहब बड़ा सुंदर भाव था और बड़ा सच्चा विचार था। राजौरी गार्डन बिंदा पारक कथा में भी बराबर जाते आते थे और जब से मिले तब से बड़ा स्नेह और प्रेम था। और उनके परिवार हमारे परम सम्मानी श्री राजीव चान्ना जी, उनकी पत्नी मंजू जी, बेटा अक्षय, गीतिका, तो सब परिवार बड़ा सज्जन, वैसे हरा भरा परिवार है, भगवान की कृपा है, बड़ा धार्मिक परिवार है। इस नाते से प्रेमियों वही पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो हमारे राजीव जी खूब सेवा किए पिताजी का, पूरा परिवार मिल करके जो है हर समय उनका देखभाल करते रहते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए कि नहीं मात्र समो तीर्थ है नहीं पितृ समो गति, माता के समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं बताया गया और पिता के समान दुनिया में कोई गति देने वाला नहीं बताया गया। जो अपने माता पिता की सेवा करता है तो ये प्रत्यक्ष देवता है। तो जानो सब देवी देवता प्रसन्न रहते। अगर घर में माता पिता दुखी हों, बालक हर महीने वैष्णो देवी चक्कर लगावे, तो अभी माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। वेद भगवान कहते मातृदेव भव, प्रथम आचार्य माता है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथ्य देव भव। इस नाते से प्रेमियों माता का अधिकार पुत्र के ऊपर हजार गुना होता है। तो माता पिता के चरणों का जो सेवा किया, वंदन किया, पूजा किया, पाठ किया, उसी का जीवन धन्य माना जाता है। और भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले पूजनी माता जी को प्रणाम करते, फिर पिताजी को प्रणाम करते, फिर सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते, फिर बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान प्रभु करते थे। यह आदर्श दे गए प्रभु श्री राम सारे संसार को कि जो है इसी तरह सबको जो है करना चाहिए। माता के चरणों में प्रणाम, पिता के चरणों में प्रणाम, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम, संतों के चरणों में प्रणाम, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। जो नित्य भगवान के मंदिर में आकर मत्था टेकता है, नित्य अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, इसका लाभ क्या है? बोले उसकी आयु लंबी हो जाती। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोप सेविनाम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता, भगवान के चरणों में प्रणाम करता, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है। इस नाते से भगवान श्री राम अवतार लेकर के परमात्मा अनेक बार, एक नहीं अनेकों बार परमात्मा अवतार धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है मानस में लिखे, बोले जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा
करही अनीति जाई नहीं भरनी औसी दही विप्रधेनु सुर धरनी। जब इस तरह का अत्याचार होता है तब तब परमपिता परमात्मा अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। गीता जी में बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं श्रियाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में वो परमपिता परमात्मा अवतार लेकर के कभी जो है भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं महाराजा सत्यव्रत के ऊपर कृपा करने के लिए, कभी भगवान विशाल कच्छप का रूप धारण करते। जब देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो मथानी को आधार नहीं मिला, कन्हैया के चरणों में जब सब मिलकर के प्रार्थना की प्रभु रक्षा करो बचाओ, भगवान के चरणों में प्रार्थना की। श्री कृष्ण विष्णु मधु कैट भारे भक्तानुकंपन भगवन मुरारे त्रायस्य माम केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जब भगवान के चरणों में प्रार्थना किए देवता दैत्य सब मिल करके, तब भगवान नारायण बड़े कृपालु दयालु विशाल कच्छप का रूप धारण कर लिए। कछुए का पीठ बड़ा मजबूत होता है, भगवान मंदराचल का भार अपने पीठ के ऊपर ले लिए और देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किए। तो ऐसे प्रेमियों जब जब जो है इस धराधाम पर संकट आता है, आप देख रहे इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इसमें भगवान श्रीमन नारायण की आराधना उपासना नाम का जप करोगे तभी कल्याण होगा। जत फलम नास तपसा न जोगे न और तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या योग समाधि तमाम प्रकार साधन करने से जीव नहीं प्राप्त कर सकता, वह इस कराल कलिकाल में भगवान के नाम का स्मरण करने से और उसकी गति मुक्ति होगी। इसलिए परमात्मा का नाम जो है, भगवान एक नहीं अनेकों बार परमात्मा अवतार लेकर आते, मत्स्य कूर्मो वराहस्य नारसिंह बावनस तथा रामो रामश्च रामश्च बुद्ध कल्किश्चति दशा। वेद भगवान ने 10 अवतारों की घोषणा करते हैं। तो परमात्मा समय समय पर अवतार लेकर के भगवान राघव जो है संसार को सुंदर उपदेश करके गए। बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा आय सुमागी करही पुर काजा देखी चरित हर सई मन राजा। भगवान राघव माता जी के चरणों में, पिता के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में और सबको प्रणाम करते थे। कोई काम करना होता तो माता पिता से आदेश लेकर के करते थे। इससे माता पिता संतुष्ट रहते थे। ऐसे प्रभु सुंदर उपदेश सबको दे गए। जिस समय प्रेमियों माता कैकेयी के द्वारा और जो है 2 वरदान मांग लिए गए, भगवान राघव को तब जो ये समाचार मिला, राघव जो है सुन करके सुमंत जी के साथ जब वहां पर आए और महाराज की स्थिति बहुत जो है दयनीय हो गई। माता कैकेयी बैठी, राघव जाकर माता के चरणों में प्रणाम करते, प्रणाम किए। भगवान श्री राम बोले माँ क्या कारण है, हमारे पिताजी की ये स्थिति है, क्या कारण है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया माँ? माता कैकेयी कहने लगी हे राघव,
तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। बोले तो कारण क्या है माँ, बताओ तो सही। माता कैकेयी कहने लगी, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राघव, तुमसे अपराध तो हो ही नहीं सकता। बोले तो कारण क्या है माँ। बोले, पिता के दुख के कारण भी तुम ही हो। भगवान राघव बोले, माँ जल्दी बताओ क्या कारण है। बोले, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भैया भरतलाल के अयोध्या का राजपाट दे दिए और तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। जैसे राघव इतनी बात सुने, भगवान राम बोले, माँ इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पिता को इतना बड़ा कष्ट, मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। हमारे पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जो है तुरंत माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। राघव बोले कि हे माँ, उसी पुत्र का जीवन धन्य है जो माता पिता के चरणों की सेवा करता है। बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। वही पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी है जो अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है। ऐसे ऐसे पिता के आज्ञाकारी पुत्र हुए हैं भगवान श्री राम। अयोध्या जैसा जो है राजपाट सब कुछ त्याग करके राघव वन के लिए प्रस्थान कर जाते। भगवान परशुराम ऐसे पिता के आज्ञाकारी जो है पुत्र थे। उनकी माता जल लेने गई। वहां जल लेते समय चित्रगेत नाम का गंधर्व नृत्य कर रहा था। देखकर उनका मन जो है विचलित होने लगा। उनके पिता और बहुत से पुत्र थे, सबको बुलाए, लेकिन आ करके लोग प्रणाम करके चले गए। तब राम राम कह करके पुकारे। तैसे भगवान परशुराम परसा लेकर के पहुंच गए। बोले, पिताजी आदेश। बोले, आदेश जाओ अपने माता का मस्तक काट लो। ऐसा आदेश हुआ। परशुराम जी एक शब्द नहीं पूछे कि कारण क्या है, सीधे जा करके अपने माता का मस्तक काट कर अपने पिता के चरणों में ला करके रख दिए। पिता देख करके प्रसन्न हो गए। भगवान परशुराम बोले, पिताजी आप संतुष्ट? बोले, हाँ बेटा, बरम बुरी वरदान मांगो। भगवान परशुराम बोले, आप प्रसन्न? बोले, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बोले, अगर आप प्रसन्न है तो हमारी माता को जिंदा कर दो। पिता के आदेश का भी पालन किए और अपने माता को भी जीवित करा लिए। ऐसे ऐसे पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। पुंडरीक नाम का बालक, जो हम जो है पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते, हरि ओम अपवित्र अपवित्र वा सर्वास्थांग गतो विवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यंतर शुचि। वह पुंडरीक नाम का जो बालक था, अपने माता पिता का इतना सेवा करता, माता पितृ भक्ति उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। उसकी सेवा को देख करके स्वयं भगवान नारायण से नहीं रहा गया, प्रभु पुंडरीक के पास आए। भक्त का दर्शन करने स्वयं प्रभु आए। भगवान कहते, मैं भक्तन को दास और भगत मेरो मुकुटमणि। इतना आदर सम्मान परमात्मा देता है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो कार सो तो मैं लोहे की लाट। भगवान जो है पुंडरीक के पास गए और पुंडरीक देखे अपने माता पिता की सेवा में थे। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले, प्रभु क्षमा करेंगे, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा में हूं। एक ईंट जो है दे दिए, भगवान उसी पर खड़े रहे। वही परमात्मा भगवान विट्ठल के रूप में आज भी वहां विराजमान है। तो ऐसे ऐसे माता पिता के भक्त हुए। एक बार पूज्य पंडित जी गरुण पुराण की कथा सुना रहे थे। गरुण पुराण की कथा सुना रहे थे, सुनाते 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 पंडित जी बताए
कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तीन प्रकार का ऋण पुत्र के ऊपर होता है। पुत्र के ऊपर तीन प्रकार का ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। देव ऋण जो है भगवान विष्णु का होता है। जब हम देवताओं का अर्चन बंदन करते, पूजा पाठ करते हैं नारायण का, देव ऋण जो है उससे जो है भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऋषि ऋण भगवान शंकर का होता है। जब अपने घर में यज्ञ हवन पूजा पाठ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराते हैं तो उससे जो है भोज भंडारे करते, उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। पितृण जो है पितामह ब्रह्मा का होता है। जो हमारे पूर्वज हैं, पिता पितामह प्रपितामह माता मातामह वृद्धम मातामह, तीन पीढ़ियां जल की याचना करती। हमारे यहां शास्त्रों में महापुरुष लोग बताए, भगवान को कुछ भोग बनाकर जब तैयार करें तो भगवान को अर्पण किया जाता तुलसी दल लाल करके, और पितरों को जो है तर्पण किया जाता है। पितरों का अपने पूर्वजों का नाम लेकर, नाम गोत्र उच्चारण करके, पिता पितामह प्रपितामह माता मातामह वृद्धम मातामह, तीन पीढ़ियां जो है जल की याचना करती। पितर हमसे धन संपत्ति नहीं मांगते, वह केवल आप श्रद्धा भाव से जल का जो है तर्पण करें, उनका नाम लेकर के उसी से वो तृप्त हो जाते हैं। जो हम श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते, 15 दिन तक पितृपक्ष आता है उसमें हम पितरों का अर्चन बंदन पूजा पाठ करते हैं। तो पितरों को तर्पण, जब सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण में जाओ तो वहाँ सब कुछ समर्पण किया जाता है। ऐसे पंडित जी बता रहे थे तीन प्रकार का ऋण होता है। जब तक पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तब तक मातृ पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पाता। इस तरह से पूज्य पंडित जी बता रहे थे। एक महापुरुष उसमें आए थे, जिसे नहीं रहा गया, वो खड़े हो गए, बोले महाराज दुनिया में कौन ऐसा ऋण जिससे मैं नहीं मुक्त हो सकता। पंडित जी बोले भाई आप सामर्थ्यवान हो सकते हैं। वो महापुरुष सीधे अपने जो है पिताजी के पास गए, माता पिता के पास चले गए। वहां जो है माता पिता देखे कि बेटा आ रहा है बहुत समय के बाद, वहां पहुंच करके दंडवत प्रणाम किए, बोले बेटा सब ठीक है। बोले बहुत बढ़िया है। बोले कैसे आए। बोले पिताजी मैं आपके पास आया। बोले किस लिए। बोले कितना सोना चांदी हीरे पन्ने जवाहरात आपको दे दूं। बोले किस लिए बेटा। बोले आपके ऋण से उऋण हो जाऊं। माता पिता मुस्कराए, बोले हमारे ऋण को तू सोने चांदी हीरे पन्ने से तौलने आया है। ठीक है बेटा, और जब समय आएगा तब बताऊंगा, जब समय आएगा तब बताऊंगा। माता पिता उस बात को गांठ बांध लिए, गांठ बांध लिए। और बहुत समय बीत गया, बेटा भूल गया कि हम अपने माता पिता से कोई बात किए थे। संजोग से माता पिता बीमारी का बहाना करके पलंग पर लेट गए। बोले कि बेटा तबीयत खराब है। बोले कोई बात नहीं पिताजी, मैं किस मर्ज की दवा, मैं आपकी सेवा में हूं। बेटा जो है बैठा माता पिता की सेवा में, दिन में 2-4 बार जल मांगे, बेटा जल ले आओ। जल लेकर जाते लेकिन माता पिता स्वीकार नहीं करते थे, वापस चले आते थे। ऐसे पूरा दिन बीत गया धीरे धीरे करके। रात्रि का समय आया, रात्रि में भी 2-4 बार जल मांगे लेकिन जल लेकर जाते वो लेट जाते थे। जब बेटा को नींद सताने लगी, निद्रा भगवती की कृपा हुई, तब पिताजी जोर से आवाज लगाए, बेटा जल ले आओ। चौंक करके उठे,
जल लेकर के चले गुनगुनाते हुए मन में, पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीतने वाली है, न आप सोते हैं न मुझको सोने देते हैं न जल पीते हैं। जैसे इस तरह गुनगुनाते हुए बेटा गया, तैसे प्रेमियों पिताजी जो है गिलास का जल हाथ में ले लिए और उसके बाद एक चाटा जोर से लगाए। बेटा की नींद खुल गई, बोले कि पिताजी ये क्या? बोले बेटा तू तो हमारे ऋण से मुक्ति लेने आया था ना। जैसे इतनी बात कहे तैसे बालक जो है आश्चर्य में पड़ गए, बोले तू एक दिन में बेटा परेशान हो गया, माता पिता अपना सारा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर देते, बालक का जन्म होता उसका लालन पालन सेवा सत्कार करके पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा, उसके बाद जो है शादी विवाह हो जाता है, हर तरह से देखभाल करते। माता पिता कहने लगे बेटा छोटी अवस्था में धन्य हमारी माताएं बहनें बालक को जन्म देती हैं, उनका लालन पालन करती कितने श्रद्धा भाव से। माताएं ही जानती हैं कि बालक को इस समय क्या चाहिए और कोई नहीं समझ पाता। एक बात को बच्चा 20 बार पूछता पिताजी से, पिताजी ये क्या चीज है, माताजी ये क्या चीज है, लेकिन माता पिता को क्रोध नहीं आता, वही बताते जो जो है चीज है। बोले बेटा तू एक दिन में परेशान हो गया। वह बालक अपने पूजनी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, पिताजी क्षमा करो, माताजी क्षमा करो। और पंडित जी जो गरुड़ पुराण की कथा सुना रहे थे, जब तक पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता तब तक मातृ पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पाता। तो इस तरह से प्रेमियों पिता के चरणों में हमारे परम सम्माननीय राजीव जी चान्ना, अपने पिता के परम भक्त, इनकी पत्नी श्री मंजू जी चान्ना, वह भी बड़े श्रद्धा भाव से जो है अपने ससुर की सेवा, बालक इनका बड़ा अद्भुत है अक्षय कुमार, गीत का बेटी जो है, सभी लोगों का जो है अपने पूज्य पिता के चरणों में, बाबा के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भावना थी, खूब प्रेम से सेवा की। और परिवार तो इनका बड़ा लंबा चौड़ा सब हरा भरा है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है, लेकिन जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है उसी का जीवन धन्य माना जाता है। एक बार की चर्चा आपको बताऊं, जिसमें भीष्म पितामह सर सैया पर पड़े थे, बाणों की सैया पर, भगवान गोविंद का स्मरण कर रहे थे, हे केशव हे गोविंद हे माधव एक बार कृपा करो, अब हमारा अंतिम समय आ गया, और एक बार जो है अपनी सुंदर बांकी झांकी वही मुस्कराहट हमको प्रभु दिखा दो। कन्हैया के चरणों में प्रार्थना किए भीष्म पितामह, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कन्हैया के चरणों में प्रार्थना की, हे गोविंद हे माधव हे मधुसूदन प्रभु एक बार कृपा करो। भगवान गोविंद जब पुकार सुने, अपने साथ पांचों पांडवों को लेकर के प्रभु गए। भगवान भीष्म पितामह के सिराने खड़े हो गए, पितामह में आ गया, ये आपके जो है पांचों पांडव आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इनको उपदेश करो। भीष्म पितामह बोले, गोविंद जिसके साथ स्वयं नारायण है परमात्मा, उनको भला मैं क्या उपदेश कर सकता, लेकिन बहुत उपदेश किए, रात धर्म दान धर्म सब कुछ बताए।
देश पितामह भगवान गोविंद से बोले, प्रभु मैं असमर्थ हूँ, उठ नहीं सकता, इसलिए क्षमा करेंगे, एक बार मेरे चरणों की तरफ आ जाओ, मैं आपके बाकी झांकी का दर्शन कर लूँ। प्रभु भगवान गोविंद मुस्कराते हुए भीष पितामह की सिराने की तरफ जो है पैरों की तरफ गए, और भीष पितामह जैसे प्रभु का दिव्या दिव्य दर्शन किए, वही मधुर मुस्कान, मोर मुकुट जो है हाथ में, बंसरी लिए कन्हैया का जब दर्शन किए, भीष पितामह गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रभु बड़ी कृपा आपकी हो गई, आज मैं धन्य हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये किस कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, किस कर्मों का फल? भगवान बोले, पितामह आपको तो अपने कई जन्मों की जो है सब कर्म फल याद है। बोले, हाँ प्रभु, हमारे जितने 10,000 वर्ष जन्म हुए हैं सब मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ प्रभु। बोले उसके आगे, प्रभु मैं नहीं देख सकता। तब भगवान बोले, जहां से जीव का देखना बंद होता है वहां से मैं देखना शुरू करता। भीष्म पितामह बोले, अच्छा प्रभु। बोले, हाँ 10,000 वर्ष पूर्व भी आप राजा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। बोले, अच्छा प्रभु। बोले, ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, संयोग से आपके राज्य पर शत्रु चढ़ाई कर दिए, जब आप रथ पर सवार होकर के जा रहे थे रक्षा करने के लिए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, उस समय जो आपका रथ जो है मेन गेट पर पहुंचा, वहां एक नेवला पड़ा हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा नेवला था। अब भीष्म पितामह देख करके नकुल दर्श तो शुभ होता है, लेकिन भीष्म पितामह अपने मन में विचार कि अगर मैं रथ को चलाता हूं ये दब करके मर जाएगा। बड़ा प्रयास किए भीष्म पितामह कि इसको हटाने का प्रयास किए, लेकिन नेवला हटा नहीं। अंतिम में रथ से उतर करके तरकस से बाण निकाल कर जैसे जो है बाण उसके पीठ में दबाए तो बाण चुभ गया, और उसी बाण से एक तरफ किए, एक तरफ करने के बाद भीष्म पितामह जोर से झटका दिए तो नेवला कीकर के पेड़ के ऊपर जाकर गिरा, बबूल के पेड़ के ऊपर गिरा। बबूल के पेड़ में, कीकर के पेड़ में बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसी कांटों पर जाकर के वो बिद गया। भीष्म पितामह बोले, प्रभु तब बोले कि वह नेवला 6 महीने तक कराहता रहा पितामह, आज उसी कर्मों का फल आप भोग रहे हो। तो कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है, इसलिए परमात्मा का नाम ही कल्याण करने वाला है, कृपा करने वाला है, रक्षा करने वाला है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो राम नहीं कह सकते थे, मरा मरा कहते, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हुई। भोले राम बिहाई मारा जपते, राम बिहाई मारा जपते, बिगरी सुधरी का बिको की लहू की, और नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधु की, ताको भलो अजहू तुलसी, जही प्रीति प्रतीत है आखर दुखी। आज भी जो सच्चे भाव से राम नाम का जाप करता है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भौथाहा, तो परमात्मा का नाम ही कल्याण करने वाला, रक्षा करने वाला, कृपा करने वाला है। इसलिए हमारे परम सम्माननीय चांदनाथ जी और श्री अमरनाथ जी चांदना, बड़ा सुंदर उनका भाव था,
और सबके प्रति बड़ी श्रद्धा भावना संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, और जो है पूरा परिवार धार्मिक है। इस नाते से जो है हर समय दान पुण्य सत्कर्म करते रहते थे और वो अपने कर्मों से भगवान के धाम को प्राप्त हुए। गीता जी में भगवान अर्जुन को बताया, सोचा नैव शोचन्ते प्रज्ञावादाज भासते गतासु गतासु नान शोचन्त पंडिता। जो धार्मिक विचार के व्यक्ति इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं, वह अपने कर्मों के द्वारा ही भगवान नारायण के चरण शरण को प्राप्त कर लेते हैं। उनके बारे में किसी प्रकार सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चांदना साहब का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है। हमारे सम्माननीय स्वर्गीय अमरनाथ चांदना जी 92 वर्ष की आयु पूर्ण करके परमात्मा के चरण शरण की तरफ प्रस्थान किए। उनके बेटा श्री राजीव चांदना जी अपने पिता के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भावना, उनकी पत्नी श्रीमती मंजू चांदना जी अपने ससुर के चरणों में बड़ा श्रद्धा भाव सेवा करती रहीं। बेटा जो है अक्षय कुमार चांदना, यह भी अपने बाबा के चरणों में बड़ा श्रद्धा भाव, बेटी गीतिका चांदना, सब परिवार जो है बड़े श्रद्धा भाव से और उनकी सेवा में लगे रहे। हम परम पिता परमात्मा भगवान नारायण से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको अपने चरण शरण में सुंदर स्थान दे। परिवार के ऊपर जो कष्ट आया है उसको जो है बर्दाश्त करने की शक्ति परमात्मा दे। ऐसे ही जो है प्रभु का स्मरण करते रहें। आइए दो बार भगवान का नाम लें, हमारे पूज्य पंडित जी आशीर्वाद देंगे। दो बार भगवान का नाम लें, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो राजा राम चंद्र भगवान की। आओ महाराज जी बोल दीजिए, आओ बैठो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालरात सोयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सचिनिभः श्रीशंकरः पातु माम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हम आप सभी लोग इस सनातन धर्म मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज स्वर्गीय श्री अमरनाथ चांदना जी, जिनकी अवस्था लगभग 92 वर्ष थी, उन्हें अपना अपना श्रद्धा सम्मान अर्पण करने के लिए उपस्थित हैं। पूज्य पंडित जी ने अभी बहुत कुछ कह दिया है। कहने का भाव यह है कि हर जीव
जो यहाँ आता है अपने सत्कर्म के आधार पर आता है, और सत्कर्म के आधार पर ही उसे पत्नी और पुत्र मिलते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। मृत्यु सबकी सुनिश्चित है। एक पिता के कई पुत्र हों उसमें से कोई एक ही सेवा कर पाता है। जो सेवा करता है वही पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी है। और यह मृत्यु जो है यदि न हो तो संसार जैसा दिखाई दे रहा इस तरह न दिखाई दे। तो मृत्यु जो है सबकी सुनिश्चित है। मृत्यु न होकर के बल्कि मुक्ति हो। यदि बच्चे माता पिता की सेवा करें और माता पिता उनसे संतुष्ट हो, भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करते हुए उनका जीवन बीत जाए, बेटा उनकी सेवा करे, यहीं से जीव की मुक्ति होती है। जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ रहा करते हैं। मृत्यु जो है आत्मा, जीव जो है आत्मा के रूप में, और परमात्मा तो परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंशी है, यह जीव उसी परमात्मा का अंश है। यह अंश जो परमात्मा का अंश है अपने अंशी में विलीन होता है। तो विलीन तब होता है जब वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। यह एक मृत्यु जो है एक सुंदर सीढ़ी है मुक्ति प्राप्त करने की, परमात्मा को प्राप्त करने की एक सुंदर सीढ़ी है। जैसे पिता होते हैं वैसे ही पुत्र होता है। जिस तरह से राजा अगर धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगी। राजा यदि अधर्म के रास्ते पर चलता है, पाप से धन लाकर के अपने राज्य में खर्च करता है तो प्रजा भी अधार्मिक होती है। कहने का भाव यह कि स्वर्गीय श्री अमरनाथ चांदना जी स्वयं धार्मिक थे। कहने के लिए तो एक बाप के कई बेटे होते हैं, लेकिन उनमें से सेवा कोई एक ही करता है। जिसको सेवा का अवसर मिलता है वही गंगा स्नान के फल को प्राप्त करता है। अभी महाराज जी बता रहे थे कि सरसैया पर भगवान के निवेदन पर युधिष्ठिर को साथ में लेकर के, पांचों पांडवों को साथ में लेकर के गए थे। एक बार युधिष्ठिर ने स्वयं भीष्म पितामह से प्रश्न किया था कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि भक्ति सर्वप्रथम भक्ति जो है माता और पिता की सेवा। माता पिता की सेवा से बढ़कर पूरे सृष्टि में कोई भक्ति है ही नहीं। यदि माता पिता घर पे कराह रहे हों और मंदिर देवालय जाकर के हम तीन टाइम संध्या पूजा करें, वह संध्या पूजा हमारी व्यर्थ जाती है। कहने का भाव यह स्वयं ये धार्मिक थे और इसलिए इनका पूरा परिवार धार्मिक। आज इस कोरोना महामारी के बीच में भी हम लोग इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह शायद इतने यह महामारी का समय न होता तो आज नीचे और ऊपर दोनों हाल भरे होते। ये उनके सत्कर्म हैं। और जो आज लगभग कुछ नहीं तो करीब 7-8 साल से तो हमारा भी संबंध आना जाना करीब बहू जी के यहाँ हो गया, तब से हम पिताजी को इनके साथ रहते देखते हैं। जितनी सेवा इन्होंने की, पुत्र कहलाने का अधिकारी अगर है कोई तो जो माता पिता की सेवा करता है वही पुत्र है। यह मानव शरीर मिला है तो पुत्र की सेवा, पुत्र का धर्म बनता है कि पिता की सेवा करे। जैसे पंडित जी भी ने कहा, माता सर्वतीर्थमयी माता है, उसी तरह से पिता जो है सर्वोपरि है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता ही परमम तपः, पितर प्रीति मापन्ते प्रियन्ते सर्वदेवताः।
पिता ही धर्म है, पिता ही पुण्य है, पिता ही तप है, पिता ही सर्वस्व है। पिता के समान सृष्टि में कोई देवता नहीं। एक बार जब सृष्टि पर घोर दुख आया था, सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। शरण में जाकर शिव जी से प्रश्न किए थे कि देवताओं के संकट को कौन दूर करेगा। तो शिव जी के सामने उनके दोनों पुत्र बैठे थे, गणेश और कार्तिकेय। जैसे ही शिव जी ने प्रश्न किया, कार्तिकेय ने तुरंत उत्तर दिया कि अगर मुझे देवताओं का सेनापति बना दिया जाए तो क्षण भर में इनके कष्ट को मैं दूर कर दूंगा। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, विघ्न के विनाशक हैं, कुछ नहीं बोले। अंत में शिव जी ने यह कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ आ जाएगा वही देवताओं के संकट को दूर करेगा और उसी की सबसे पहले पूजा होगी। जैसे ही शिव जी ने कहा, तत्क्षण गणेश कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार हुए और चल पड़े। गणेश जी विचार करते रहे, उनका वाहन तो तेज है, हमारा वाहन मूसक है, मैं कैसे जाऊंगा। विचार करते हुए उन्होंने विचार किया कि सभी शास्त्रों में कहा गया है, शिव जी भी यही कहा करते हैं, विष्णु भी यही कहा करते हैं कि माता पिता प्रत्यक्ष के देवता हैं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। माता पिता की सेवा, माता पिता की परिक्रमा संपूर्ण हरी भरी पृथ्वी के परिक्रमा के बराबर है। गणेश जी मूसक पर सवार होकर बैठे माता पिता की परिक्रमा किए, परिक्रमा करके आगे आके बैठ जाते हैं। जब आगे बैठते हैं, माता पार्वती जैसे देखती हैं अपने आंचल से गणेश जी के मुख को पूछती हैं और ये कहती हैं कि बेटा, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आया है, थक गया है। और उधर कार्तिकेय देख रहे हैं कि हमारे आगे आगे मूसक का चिन्ह जा रहा है, विचार कर रहे हैं कि हमसे पीछे चले होंगे, आगे आगे कैसे जा रहे हैं। आते हैं कार्तिक तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे गणेश जी बैठे हैं, कीचड़ उछालते हैं कि यहाँ से गए ही नहीं और आकर के बैठ गए यहाँ। जब गणेश जी से पूछा गया, शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि आप कहाँ गए थे, गणेश जी ने कहा आप भी यही कहते हैं, ऋषि मुनि यही कहते हैं, वेद शास्त्र यही कहते हैं कि सभी देवता माता पिता के शरीर में विराजमान हैं। तो हमने माता पिता की परिक्रमा कर ली, माता पिता की परिक्रमा से बढ़कर कोई परिक्रमा नहीं, माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, तो हमने तो आपकी परिक्रमा करके आपके आगे बैठ गए। माता पिता की परिक्रमा करना संपूर्ण हरी भरी पृथ्वी के परिक्रमा के बराबर होता है। उसी समय एक स्वर से सभी देवताओं ने आवाज निकाला और शिव जी ने निर्णय लिया कि आज से गणेश जी सर्वोपरि हैं, सबसे प्रथम पूजा अगर होगी तो गणेश की होगी। यह माता पिता की सेवा का फल है। मैं तो यह कहता हूँ कि जो पुत्र माता पिता के करीब न हो, उसके विषय में हमें आपको सोचना ही नहीं चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि हम ही आप उनके हैं, वो हमारे थे और हम उनके थे। आपने सेवा किया, जो जैसा कर्म करता है, सबसे पहले पंडित जी ने भजन सुनाया है, जीवन का नहीं ठिकाना है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी का फल मिलता है। बोए बेल बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जो वृक्ष बबूल का लगाएगा, कांटे का लगाएगा, वो आम का फल कहाँ से पा सकता है। हमारे कहने का भाव यह है, सबसे उत्तम आपका भाव श्री राजीव चांदना जी, जो आपने अपने माता पिता की सेवा की और उनके पुत्र वधु श्रीमती मंजू, उनका जीवन धन्य कि जिनके हाथ से सास ससुर की सेवा हो। एक पौत्र श्री अक्षय और एक पौत्र वधु गीतिका, जो सेवा की। मैं तो परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि परमात्मा जो उनके
चरणों में जीवात्मा आई है उस जीवात्मा को अपने श्री चरणों में अखंड वास दे, और इस परिवार पर जो इतना बड़ा स्थानीय दुख आया है इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओ। चांदना परिवार बड़ा लंबा परिवार है और उनका अमरनाथ बाबू जी के पोतरा थे अर्जुन, उन्होंने भी बाबू जी की बड़ी सेवा की। और मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ जो यह दुख से संतप्त परिवार है उसको दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओ ओम। अब आप सभी लोग तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हमारे मंदिर के मंत्री महोदय श्री यशपाल सलूजा जी अग्रिम कार्यवाही की सूचना देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्तिः 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 ओ। एक बार पुनः मैं चांदना परिवार की ओर से, उपस्थित सभी सज्जनों की ओर से, आदरणीय महाराज जी के और पूज्य पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में उन्होंने हमें सांत्वना देने का प्रयास किया। हम सब दोनों जन के बहुत बहुत आभारी हैं। और अंत में मैं अपनी सभा श्री सनातन धर्म सभा की ओर से आदरणीय पिताजी अमरनाथ चावला जी के निधन पर हार्दिक दुख एवं संवेदना प्रकट करता हूँ। चांदना जी का संबंध हमारे मंदिर से सुनेजा जी की जो पुत्री वहाँ ब्याही तब से नहीं है, हमारी इस सभा से तो चांदना जी का संबंध 1971 से है, लगभग 50 वर्ष हो गए, जब हमारे इसके निगम पार्षद ओपी बब्बर जी होते थे, जनसंघ के प्रधान वजीचंद बब्बर जी होते थे तभी से। और मैं तो यदि उनको गृहस्थ का संत कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि उन दिनों में बर्फ़ की बहुत कमी होती थी। निचला काशी पर मैं और हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे मंत्री भी थे मनोचा जी, जब इनके पास जाते थे बर्फ़ लेने के लिए तो हम कहते थे 6 सिली दे दे, तो कहते थे 8 ले लो, कोई और मांग आए तो उसको भी देना। बर्फ़ तो देते ही थे, लेकिन जब मैं भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से बोलता था क्या सेवा है, कहते बेटे सेवा के कोई पैसे होते हैं, तू भी सेवा कर समाज की भी सेवा कर। ये उन बुजुर्गों का ये आशीर्वाद है। मैं आज 50 साल से इस मंदिर से जुड़ा हूँ। सुबह जब उनके पोते को मैंने बताया कि आपके तो दादाजी का हमारे से बहुत पुराना संबंध है, बिटिया तो हमारी अब गई है, और इसीलिए मैं उनको संत कह रहा हूँ। देखो संतों का कार्य क्या होता है कि समाज की सेवा भी करनी, परिवार की सेवा भी करनी, देश की सेवा भी करनी। और अब देखो मेरे हाथ में जो उनकी स्मृति में जो धन राशि नेक अपनी कमाई से निकाली गई है वो सभी के लिए, इसमें मंदिर गुरुद्वारा समाज किसी से कोई भेदभाव नहीं,
हमारे बुजुर्ग तो कभी भी भेदभाव नहीं रखते थे, और खासकर हमारे पंजाबियों में तो एक तरफ भागवत होती थी, दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहब होता था। कभी भी आर्य समाज में भी हमारे बच्चे जाते थे, आर्य समाज के बच्चे भी सनातन धर्म में आते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें भेदभाव नहीं सिखाया, एक पद्धति सिखाई। कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई बीटेक में जाता है, उसी हिसाब से हम अलग अलग धर्मों में जाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए, और पहले जब मैंने बोला था कि हमारे बहू जी गोलोक धाम गए, 90 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति यहाँ से उनका देहांत नहीं होता, वो तो गोलोक धाम ही जाता है। और आज भी देखिए, आज जब हम उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज अमावस का दिन है, मेरी माता जी सामने बैठे हैं, बताते हैं कि अमावस तो पितरों का दिन है, महाराज जी ने भी बोला था, आज तो वो अपने पितरों में मिल गए, वो तो पूर्ण हो गए। सिर्फ दुख जो होगा, तीस जो होगी, वो हम उनके दुलार से, उनके प्यार से वंचित रहेंगे। और मैं तो हमेशा यहाँ से खड़ा होकर एक ही बात बोलता हूँ कि हम लोग तो संभल जाएंगे, लेकिन हमारे पोता पोती दोता दोती वो नहीं संभल पाते। उन्हें दादा दादी नाना नानी का बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि दादा तो उनके दोस्त होते हैं, जो समस्या हम उनकी पूरी नहीं करते, जो डिमांड उनकी पूरी नहीं करते, दादा दादी समर्थ होते हैं, वो कर देते हैं। इसलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हमने तो बहुत सुख दुख जीवन में देख लिए हैं, प्रभु से यही प्रार्थना है। और मैं हमेशा यहाँ खड़ा होकर एक ही वस्तु सभी के लिए मांगता हूँ, एक ही आशीर्वाद कि हे प्रभु, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तभी सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। हम कमा भी लेंगे, खा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए प्रभु हमें निरोग रखना, स्वस्थ रखना। आज के इस जो महामारी का समय, इसमें क्या है कि हम निरोग रहें। आज आप लोग किसी की कोई सेवा नहीं कर सकते, जानते हुए भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा महामारी आई है। लेकिन हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो कुछ कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो पुण्य आत्मा आपके चरणों में आई है, उसे अपने चरणों में स्थान देंगे, और पीछे इस परिवार को इस महान कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। मैं आपको बता ही रहा था कि उन्होंने जो संस्कार परिवार को दिए, उसी में श्री सनातन धर्म मंदिर टैगोर गार्डन के लिए, वेद संस्थान राजौरी गार्डन के लिए, शक्ति मंदिर राजौरी गार्डन के लिए, गुरुद्वारा सिंह सभा राजौरी गार्डन के लिए, आर्य समाज राजौरी गार्डन के लिए, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार राजौरी गार्डन के लिए, इन सब से उनके बेटे ने बहू जी की नेक कमाई में से, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये कमाई तो हमारे माँ बाप की है, हम अपने माँ बाप की कमाई दे रहे होते हैं, हम तो जब कमाएंगे तो हमारे बेटे खर्च करेंगे। ये नेक कमाई उन्होंने इन सब संस्थाओं के लिए दी है, ये जो है राशि उन सब तक पहुँचा दी जाएगी। अब मैं चान्ना परिवार की ओर से, जो भी लोग YouTube पर, माधव चैनल पर और किसी माध्यम से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमसे जुड़े, जिसने हमें सांत्वना दी, परिवार उन सब का आभार प्रकट करता है। और मैं एक बार पुनः प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देंगे। ओम शांति शांति ओम।
ओम हरि ओम सृष्टते लक्ष्मीस्वतना बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रण रूपमचनो व्याप्तम मयि सन्निखाड़ मयि खाण सर्वलोक मयि खाण ओम वक्षितं चारुष्टाभ्याम नमः। चंदनस्तु महत्प्रणम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा अक्षतम परष्टाभ्याम नमः। ओम जयन वद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं निबंधामि रक्षे माचल माचल। इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वर्षनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देवः शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि नीचे चाय पानी की व्यवस्था है, आप प्रसाद रूप में चाय पानी ग्रहण करके तब उसके बाद जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।